ओप्पो A79 वर्सेस रेडमी नोट 11। तो गाइज आज मैं करने वाला हूँ इसी दोनों फोन का कैमरा टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन, इंडोर आउटडोर, बहुत सारे फोटोज और वीडियोस मैंने क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो में आप तक पहुँचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं किशोर, आप देख रहे हो राधे बीट्स। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास Oppo A79 5G और Redmi Note 11। तो गाइस बात करते हैं Redmi Note 11 की, तो यहाँ पे आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, प्लस 8 मेगापिक्सल, प्लस 2 मेगापिक्सल, प्लस 2 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं Oppo A79 की, तो यहाँ पे आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, प्लस 2 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं दोनों ही फोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको Redmi Note 11 के अंदर एक 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करते हैं Oppo A79 5G की, तो यहाँ पे आपको एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे इस दोनों फोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इस सभी फीचर्स को यूज़ करते हुए इसे मैंने काफ़ी सारे फोटोज और वीडियोस क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ फोटोज एंड वीडियो सैंपल। तो दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हो मैंने इसी Oppo A79 5G और इसी Redmi Note 11 के फ्रंट कैमरा को यूज करते हुए क्लिक किया है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैं चल रहा हूँ और वीडियो जो शूट हो रहा है, तो यहाँ पे आप वीडियो स्टेबिलाइजेशन का भी अंदाजा लगा सकते हो। यानी कि इन दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन से आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।
तो दोस्तों अभी जो अपने फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखे मैंने इसी ओप्पो A79 5G और इसी रेडमी नोट 11 के फ्रंट और रियर कैमरे को यूज करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइज आपको इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मुझे पर्सनली ओप्पो A79 5G का कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी। आज की डेट में भी आप रेडमी नोट 11 जो यूज कर रहे हो और आपको एक फोन चेंज करना है तो आप ओप्पो A79 की तरफ जा सकते हो, उसका कैमरा क्वालिटी रेडमी नोट 11 से बेटर है। मैंने खुद इसको यूज़ किया और आपने भी देखा होगा कैमरा कंपैरिजन में। फिर चॉइस इज योर्स, आपका फ़ोन सही से चल रहा है, अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है और लेना चाहो तो ले सकते हो, एक अच्छा डिवाइस है ओप्पो A79 इन दोनों के कंपैरिजन में। तो यूपी गाइस के आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।